नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। धार की राजनीति की चर्चाएं सूर्य नगरी की गलियारों में इस बार जोरों पर है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में इस बार छात्र राजनीति में बाड़मेर की चर्चा खूब की जा रही है। बाड़मेर की राजनीति के सक्रिय रहे छात्र नेता लोकेंद्र सिंह गोरडिया इस बार जोधपुर में अपना परचम लहरा रहे हैं। जोधपुर की हर गली चौराहे पर उनके बैनर छपे हैं और कई युवा उनके साथ सैकड़ों की तादाद में नजर आ रहे हैं। बात लोकेंद्र सिंह गोरडिया की करें तो ये बाड़मेर जिले के हैं और पिछले 3-4 वर्षों से बाड़मेर की छात्र राजनीति में निरंतर सक्रिय रहे थे और उनके बड़े भाई गजेंद्र सिंह गोरडिया बाड़मेर के पीजी महाविद्यालय में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकेंद्र सिंह गोरडिया जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के थर्ड ईयर के लोक स्टूडेंट हैं और इस बार अध्यक्ष पद के लिए जोरों से अपनी मेहनत कर रहे हैं। बाड़मेर के कई छात्र नेता लगातार उनके साथ हैं और खूब प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि लोकेंद्र सिंह गोरडिया के साथ जोधपुर के कई छात्र उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं और छात्र राजनीति से जुड़े जानकारों की माने तो लोकेंद्र सिंह गोरडिया इस बार एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। लोकेंद्र सिंह गोरडिया ने बाड़मेर में छात्र हितों के लिए कई बार मुद्दे उठाए, कई आवाजें उठाई। बाड़मेर के छात्रों के दिलों में राज करते हैं लोकेंद्र सिंह गोरडिया और उनके बड़े भाई गजेंद्र सिंह गोरडिया ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए छात्र हितों के लिए कई काम किए हैं। बाड़मेर के अगर युवा नेताओं की बात करें तो सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हिंदू सिंह तामलो, गजेंद्र सिंह खारा, शिव प्रताप सिंह चौहटन सहित कई ऐसे नेता हैं जो लगातार जोधपुर में उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनके गाड़ियों का काफिला लगातार शहर भर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकेंद्र सिंह गोरडिया को जोधपुर के छात्र लगातार सहयोग कर रहे हैं। उन छात्रों को लोकेंद्र सिंह गोरडिया खूब रास आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से लोकेंद्र सिंह गोरडिया को जोधपुर में खूब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लोकेंद्र सिंह गोरडिया को अगर एबीवीपी टिकट देती है तो लोकेंद्र सिंह गोरडिया जेएनयू के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और उन्होंने तेजी से प्रचार जोधपुर में करना शुरू कर दिया है। जोधपुर शहर के हर गली चौराहे पर, हर जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लोकेंद्र सिंह गोरडिया के लगे हुए हैं। साथ ही बाड़मेर के कई युवा नेता, कई छात्र नेता सहित कई लोग उनका खूब सपोर्ट कर रहे हैं। छात्र राजनीति से जुड़े जानकार ये भी कहते हैं कि यहाँ के कई बड़े लीडर हैं, कई बड़े उद्यमी हैं, कई बड़े हस्तियाँ जो जोधपुर की हैं वो भी लोकेंद्र सिंह गोरडिया की खूब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि लोकेंद्र सिंह गोरडिया को कितने मत मिलते हैं, क्या वे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो जेएनयू के अध्यक्ष हैं वो भी बाड़मेर से ही ताल्लुक रखते हैं। और धार की राजनीति की चर्चाएं जैसे ही सूर्य नगरी की गलियों में हुई हैं उसके बाद बाड़मेर के लोग उनका सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा जोधपुर के कई छात्र नेता, कई बड़े नेता, कई उद्यमी और बाड़मेर से जुड़े कई युवा नेता लगातार कैंपेनिंग जोधपुर में जोर शोर से करते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी जिस प्रकार से छात्र हितों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं या उन्होंने अब अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिस प्रकार से छात्रों की आवाज उठाई है उससे जोधपुर के छात्रों में लोकेंद्र सिंह गोरडिया की इस प्रकार की छवि बन चुकी है कि वे भी चाहते हैं कि हमारे छात्रों का, यहाँ के छात्रों का प्रतिनिधित्व कोई इस प्रकार का नेता करें जो छात्रों की आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं रहें। हालांकि लोकेंद्र सिंह गोरडिया बाड़मेर के
इस प्रकार के छात्रों के नेता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर बुलंदी के साथ छात्रों की आवाज कई बार उठाई है और कई आंदोलन भी किए हैं।